नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर लीडर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल पर आप देखते हैं कि खेती बाड़ी से आप कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शलगम की उन्नत खेती कैसे करें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शलगम भारत के अधिकतर हिस्सों की फसल है। किसान भाई आधुनिक तकनीकी से इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। शलगम की खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु में इसकी उपज अच्छी मिलती है और इसके लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त रहता है। इसको कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, फिर भी अच्छी उपज के लिए भुरभुरी और जीवांशयुक्त उपजाऊ दोमट और हल्की रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए 250 से 300 क्विंटल कंपोस्ट या फिर गोबर की गली सड़ी खाद पहली या दूसरी जुताई में डालनी चाहिए ताकि वह मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। इस फसल के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। इसकी बुआई का समय सितंबर से अक्टूबर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जुलाई से अक्टूबर उपयुक्त रहता है। इसकी बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर व गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। शलगम की खुदाई जब इसकी जड़ें खाने योग्य हो जाएं, तभी से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। उपरोक्त विधि से खेती करने के बाद इसकी पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ नई बातें। तब तक के लिए नमस्कार।